अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खालिद हुसैन, इंग्लिश टीचर फ्रॉम मलेशिया फाउंडेशन एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने SOPs का ख्याल रखते हुए 14 अगस्त आज़ादी का दिन जोश व वलवले से मनाया होगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोइट्री। ठीक है, पोइट्री से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जो लिखने और पढ़ने का निज़ाम है या जो तरीका चला है वो हिस्टोरियंस के मुताबिक 5000 ईयर्स एगो यानी कि 5000 साल पहले से लिखने पढ़ने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इनिशियल यू नो दैट दे उस टाइम पे हमारे पास कागज़ और इस तरह कलम वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। पीपल यूज़ टू राइट ऑन डिफरेंट थिंग्स, वो मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा करते थे, वो चमड़े पर लिखते थे, वो हड्डियों पर लिखते थे, वो पत्थरों पर लिखते थे। तो ये स्टेज ऐसा था कि मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा करते थे, बट राइटिंग वॉज स्टार्टेड 5000 ईयर एगो। अच्छा, उसके बाद साइलोन नाम का एक चाइनीज होता है, द पर्सन हु इज़ इन्वेंटर यू कैन से, उसने ईजाद किया पेपर। ठीक है, ये जो आज हमारे पास ये जो पेपर्स है, ठीक है, इस पेपर का मौजूद या ईजाद करने वाला या जो फर्स्ट टाइम बनाने वाला है वो चाइनीज़ है, उसका नाम साइलोन है। वो पेपर इससे डिफरेंट हो सकता है बट लेकिन पेपर शुरू में स्टार्ट वहाँ से हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने जो इंसानों ने राइटिंग का काम स्टार्ट हुआ वहाँ से। आपको पता है हम राइट जब करते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर या तो हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या हम कोई आइडिया शेयर करते हैं या हम अपना कोई इमोशंस बताते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो आज तक का तरीका आता है वो इन लोगों से या इन तरीकों से, पहले आपके पास चमड़े पे लिखते थे उसके बाद पेपर्स थे। ठीक है, अब हमारे पास जो राइटिंग आती है, ठीक है, वो राइटिंग के दो फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि वट एवर द रिटन मटीरियल विच वी हैव टुडे इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर टू टाइप्स। व्हाट आर दीज टाइप्स, वो कौन सी टाइप्स है अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू द रिटन मटीरियल विच वी हैव टुडे इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि तमाम जो हमारे पास रिटन मटीरियल है उसे हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लुक ओवर हियर, द वन इज़ पोइट्री एंड अनदर इज़ प्रोज। ठीक है, तमाम जो मटीरियल होगा दैट कैन बी पोइट्री फॉर्म, इधर पोइट्री फॉर्म और प्रोज फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रोज को हम इससे पहले के 3 चैप्टर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, लाइंस होती है, लाइंस के बाद हमारे पास पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ्स से मिलके क्या कहते हैं, चैप्टर बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। बट पोइट्री राइटिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड सबसे पहले पोइट्री की डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द पोइट्री। पोइट्री इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज दैट इज़ रिटन फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स, रिदम्स एंड स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड इमोशंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी टेक्स्ट जो होता है वो आपको या तो इन्फॉर्मेशन देता है, आइडियाज़ देता है। ठीक है, तो पोइट्री भी सर्टेन इसके स्पेसिफिक जो होते हैं पैटर्न होते हैं। ठीक है, एक राइटिंग का एक पैटर्न होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक रिदम्स होता है, इसके अंदर रिदम होता है और पैटर्न। तो देखो, एक अगर प्रोज से कहते, प्रोज और पोइट्री में एक डिफरेंस ये भी है कि प्रोज के अंदर रिदम नहीं होता है और इसमें रिदम होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम मिलके क्या बनाते हैं, पोइट्री बनाते हैं। मोस्टली हम ये भी कह सकते हैं कि पोइट्री जो होती है, प्रोज आप फैल के आप एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो बहुत वाजा अंदाज में या फिर उसको फैला के लिखते हैं। पोइट्री क्या होती है, दरिया को कोजे में बंद करने के मुतरादिफ, मतलब ऐसे ही हम एक सेंटेंस में या एक शेर के अंदर बहुत बड़ा मतलब दे सकते हैं। वो एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर इसमें इस शेर को मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं प्रोज फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ लिखने बैठूँ तो ये 2-3 पेजेस में मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है। बट ये एक, अब जब पोइट्री में आता है तो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं और वो फुल ऑफ मीनिंग होते हैं, वो कहते हैं मतलब से भरपूर होते हैं। ओके, देयर आर सर्टेन वी कैन से द एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है जो पोइट्री के लिए ज़रूरी होते हैं। लेट्स डिस्कस दोज एलिमेंट्स ऑफ द पोइट्री।
Okay, students, before going to discuss the elements of poetry, मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ. ये शायरी असल में माँ के नाम पे लिखी गई है. ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी. ये कामयाबियाँ, ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है. खुदा ने जो भी दिया, मुकाम तुमसे है. तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलता गुलाब. मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. कहाँ बसात जहाँ और मैं कमसिन नादान. ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है. ठीक है, अब देखो इस शायरी में बहुत सारे वर्ड्स आए हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. रिदम किस तरह है और सिमिली किस तरह. फर्स्टली वी नीड टू डिस्कस दैट एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री में हमारे पास आते हैं राइम्स आते हैं या राइमिंग वर्ड्स आते हैं. उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच है, उसके बाद सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन, और उसके बाद हाइपरबोल. ठीक है, ये कुछ मैंने चंद एलिमेंट्स से आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है. पोइट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट आपकी क्लास के मुताबिक, क्लास के लिहाज से हमारे पास कुछ ही ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर एक एक को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ. सो लेट्स सी द डिस्कस द फर्स्ट वन, राइमिंग वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, राइमिंग, राइम्स कहते हैं या राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, लुक एट द डेफिनेशन. सेम साउंड वर्ड्स इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस के अंदर हम काफिया या जिनकी आवाज़ सेम होती है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, राइम्स कहते हैं या राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. लुक एट दिस, हमारे पास जो दो अशार है इनके अंदर हम देखते हैं कि राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं. यहाँ पे देखो, शेडो ऑन द वॉल, नॉइसेस डाउन द हॉल. ठीक है, यहाँ पे वॉल और हॉल जो है इनकी जो साउंड आती है वो सिमिलर साउंड है, और उनको हम क्या कहते हैं, राइम्स कहते हैं या राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस. ठीक है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस. ब्रिजेस एंड हाउसेस, हैजेस एंड डिचेस. ठीक है, यहाँ पे भी देखो लास्ट के जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं, ये देखो विचेस आता है और डिचेस आता है, इनकी भी क्या है, साउंड जो है सिमिलर साउंड है. इसलिए किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी शेर के अंदर, कपलेट कहते हैं शेर दो लाइनों पे जो होता है, उसके अंदर अगर दो जो वर्ड्स है सिमिलर साउंड के आते हैं उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स कहते हैं या राइम्स कहते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, सेकेंड जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज़ फिगर ऑफ स्पीच. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि पोइट्री के अंदर हम मुख्तलिफ वो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि अगर हम पोइट्री के अंदर स्मिली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक शेर होता है कि कोई चीज़ खूबसूरत है, तो हम उसे खूबसूरत कहने के बजाय कहते हैं चाँद की तरह खूबसूरत है, या किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर करते, अगर शाइनिंग है तो कम कहते हैं कि सूरज की तरह चमकता है, अगर ज़्यादा ठंडा है तो हम कहते हैं बर्फ़ की तरह ठंडा है या बर्फ़ की तरह सफ़ेद है. तो इस तरह के जो हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि एक तो होता है एग्जैजरेट करना किसी चीज़ की खूबसूरती या किसी चीज़ की जो भी होता है, वो आपको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते. एक ऐसा होता है कि कोई भी शायर जो होता है, व्हेन ही यूजेस द फिगर्स ऑफ स्पीच इन हिज पोइट्री, जब वो अपनी पोइट्री के अंदर इस्तेमाल करता है तो उसकी पोइट्री क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, और ये होता है कि जो कॉमन मीनिंग एक सेंटेंस रहता है उसके, अगर हम जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वो है प्रोवर्ब्स होते हैं या फिर क्या कहते हैं ईडियम्स होते हैं, ईडियम अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तो नाक में दम करना. देखो, नाक में दम करने का मतलब होता है किसी को सख्त तंग करना, या होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना. कहते हैं ना अपना नुकसान, वो अपना नुकसान करता है. ये हमारे पास सिंपल वर्ड्स होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. जब आप इस तरह के idioms इस्तेमाल करते हैं, metaphors इस्तेमाल करते हैं या similes इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्पीच जो होती है या आपकी जो शायरी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है या वो पावरफुल हो जाती है. ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास, हम इसमें डिस्कस करेंगे सिमिली को डिस्कस करेंगे, मेटाफर को डिस्कस करेंगे, हाइपरबल को डिस्कस करेंगे और एलिट्रेशन को डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट हमारे पास नंबर पे जो आता है दैट इज सिमिली. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज सिमिली, क्या होती है. ठीक है,
Okay, students. Now, of the element of you can say element of poetry, one of the figure of speech that is smelly. ठीक है, smelly उर्दू में कहते हैं तशबी को कहते हैं. ठीक है, तशबी के अंदर ऐसा होता है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों की हम क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मेली कहते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि वो शेर की तरह बहादुर है. ठीक है, या मैं कहूँगा कि वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद है, या वो कहूँगा कि वो आइस की तरह ठंडा है. ठीक है, या वो कहते हैं ना कि कुकुम्बर की तरह कूल है, या इस तरह के हम जो भी कहते हैं ना, वो सूरज की तरह मुस्तकिल है, या वो सूरज की तरह गर्दिश, ज़मीन की तरह गर्दिश में है. इस तरह की चीज़ों के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को कंपेयर करवाते हैं दूसरे से, बल्कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दोनों कंपेयर हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन. इट इज़ अ लिटरली डिवाइस. ठीक है, लिटरली डिवाइस है या एक टर्म है. ठीक है, इसको आप लिटरली डिवाइस को आप शॉर्ट में ये भी कह सकते हो, टर्म कह सकते हो. इट इज़ अ टर्म दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस, जो क्या करती है, दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को या उनके एक्शंस को क्या कहते हैं, कंपेयर करवाती है. एग्जांपल हमारे पास है. ठीक है, फर्स्ट माय मॉम इज़ लाइक. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, एज़ और लाइक का इस्तेमाल करते हैं. किसी भी सेंटेंस के अंदर हम एज़ या लाइक का इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा, इट आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए, इट कम्स, इट शुड कम इन योर माइंड दैट इज़ स्मेली. ये हमारे पास स्मेली है. माई मॉम इज़ लाइक अ क्लाउड, वो कहते हैं मेरी माँ जो है क्लाउड की तरह, बादल की तरह. ठीक है, यहाँ पे देखो लाइक अ क्लाउड हमारे पास क्या है, स्मेली है. ठीक है, कम्फर्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, कम्फर्टेबल और स्ट्रॉन्ग है. आई एम लाइक अ रेन ड्रॉप. ठीक है, मैं एक बारिश के कतरे की तरह हूँ. देखो, हम बारिश का कतरा और इंसान दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनकी क्वालिटीज़ को या इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करवाते हैं. ठीक है, लाइक अ रेन ड्रॉप. ठीक है, शी कीप्स सेफ एंड साउंड. ठीक है, वो क्या करती है, हमें कीप सेफ एंड साउंड, और हमें सेफ करती है. ठीक है, हमेशा आपको ये करना है कि यहाँ कहीं पे भी आपके पास लाइक आता है या एज आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्मेली कहते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव रिटन अवर हियर अ मिक्स एग्जाम्पल ऑफ स्मेलीज. स्मेलीज के अंदर एस भी आता है और लाइक भी आता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी अवर हियर. माई ईयर्स कैन हियर लाइक अ रैबिट. ठीक है, देखो हियर को हमने यहाँ पे किससे तशबी दी है, राइक रैबिट की तरह हमने सुनता हूँ. ठीक है, उस क्वालिटी को रैबिट से तशबी दी है. माई आइज आर एज ब्लू एज मून. ठीक है, मेरी को कहता है आँखें ऐसी ब्लू है या ऐसी नीली है जैसे कि समंदर. माई नोज़ कैन स्मेल लाइक अ बियर, वो कहता है मेरी नाक ऐसे स्मेल कर सकती है जैसे कि बियर रीच करता है. ठीक है, स्मेल लाइक अ बियर. ठीक है, माई ब्रेन इज़ ए स्मार्ट एज साइंटिस्ट, मेरा दिमाग ऐसा स्मार्ट है जैसा कि एक साइंटिस्ट होता है. ओके, इट इज़ नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू अस दैट वेन एवर कम्स द लाइक एंड एस वी शुड नो दैट इज़ स्मेली. ठीक है, उर्दू में तशबीह कहते हैं, उर्दू में बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स है, शेर की तरह है, वो इसकी तरह बहादुर है, इस तरह हम क्वालिटीज़ को कंपेयर करवाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्मेली. ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव, दैट इज़ मेटाफर. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन द स्मेली, नाउ द टर्म विच वी हैव इज़ मेटाफर. ठीक है, मेटाफर को उर्दू में कहते हैं इस्तियारा कहते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इट इज़ टोटली अपोजिट ऑफ स्मेली. ठीक है, स्मेली के अंदर वी वर यूजिंग एज एंड लाइक, बट अवर हियर यू डोंट नीड टू यूज एज एंड लाइक. लेट्स सी द डेफिनेशन. अ लिटरली डिवाइस, इसको फिर अगेन आई एम गोना टेल यू, इट्स अ टर्म, यू कैन से अ टर्म वेयर अ वर्ड आर अ फ्रेज, एक वर्ड या पूरा फ्रेज होता है, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट to which it's not really applicable. किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से हम एप्लीकेबल करते हैं या कंपेयर करते हैं जिससे नहीं हो सकता, जैसा कि ठीक है एग्जाम्पल्स हमारे पास है, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. ठीक है, वो कहता है दुनिया एक स्टेज की तरह है, एक स्टेज की तरह है नहीं बल्कि दुनिया एक स्टेज है. ठीक है, यहाँ पर हम किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर रहे, हम कहते हैं वो चीज़ ही है. वो पहले मैंने कहा था कि वो शेर की तरह बहादुर है, ये हमारे पास स्मेली है. ठीक है, मैं कहूँगा वो शेर है, ये क्या है, मेटाफर है. अगर मैं कहता हूँ वो चाँद की तरह खूबसूरत है, ठीक है, ये क्या है,
स्मेली है, वो कहता हूँ वो तो बिल्कुल चान है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये मेटाफर है। ठीक है, यहाँ पे है द वर्ल्ड इज़ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ठीक है, ही इज़ अ पिक, वो एक सूर है, कोई इंसान सूर तो नहीं हो सकता, लेकिन एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं। ठीक है, यू आर रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यू आर माय सनशाइन, इन सब के अंदर हमने क्वालिटी को कंपेयर नहीं किया, हमने कहा वो आप खुद ही है, हम पूरी तरह उसको यही क्वालिटी देते, आप बिल्कुल, हम कहते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा आप बिल्कुल शेर की तरह है, ये नहीं कहा, मैंने कहा बिल्कुल शेर है या चाँद है, या फिर इस तरह की क्वालिटीज़ को कंपेयर करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को जो कंपेयर नहीं हो सकता है, उसे हम कहीं पे भी आप देखते हैं कि एस या लाइक नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उन सेंटेंसेस को, उन कंपैरिजन को हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव दैट इज़ एलिट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एलिमेंट आर द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव दैट इज़ एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन मीन्स दैट उसके अंदर जो साउंड्स आते हैं या जो वर्ड्स होते हैं उनकी सेम साउंड होती है, वो एक ही साउंड जो होती है अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। ठीक है, इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अगर वोवल की साउंड रिपीट होती है तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं, और कॉन्सोनेंट की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स की इनिशियल जो साउंड होती है या इनिशियल जो लेटर आता है उसकी जो साउंड होती है वो क्या होती है, सेम साउंड होती है। लेट्स सी द एग्जांपल्स विच वी हैव। द फर्स्ट एग्जांपल, डिसेंडिंग ड्यू ड्रॉप्स। देखो यहाँ पे हमारे पास जो साउंड आती है, डी की साउंड आती है, यहाँ पे भी डी की और यहाँ पे भी डी की। ठीक है, रेपुटेशन किसी पे अगर ऐसे जब साउंड आते हैं ना, देखो इसीलिए तो शायरी जो होती है वो सुनने में भी अच्छी लगती है। ठीक है, कि इस तरह के साउंड आती है, डिसेंडिंग ड्यू ड्रॉप्स आया, रिदम आया, तो उसके अंदर एक फ्लो होता। ठीक है, किलर कैंगरू किक कोलास। ठीक है, अब देखो सबके अंदर अगेन वी हैव किलर कैंगरू किक एंड कोला। ठीक है, द लास्ट एग्जाम्पल इज ब्यूटिफुल ब्लू बर्ड ब्रिंग अ बॉल। ठीक है, अब इन सब के अंदर क्या आता है, एक तरह से हम इसे क्या कहते हैं, टंग ट्विस्टर कह सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली टंग ट्विस्टर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनमें हमेशा ये होगा कि जो साउंड होगी, इनिशियल जो साउंड होगी वर्ड्स की, कभी कभार ऐसा हो सकता है उसके बाद इनिशियल के अलावा के साउंड भी हो सकते हैं, बट यूजुअली आमतौर पर इट हैपन्स दैट द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स जो होती है वो सेम होता है। ठीक है, रिपीटेशन में जब वर्ड्स की साउंड सेम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टर्म विच वी हैव, मैं आपके लिए एक पोम रिसाइट करता हूँ। ठीक है, एक पोइट्री है, आई एम अ स्पेशल रिडिक्यूल कैन नॉट स्वे मी, आई एम स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट स्टॉप मी, आई होल्ड माई हेड हाई प्राउडली प्रोक्लेमिंग माई यूनिकनेस, आई होल्ड माई पेस कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड थ्रू एडवर्सिटी, आई एम प्राउड ऑफ माई कल्चर एंड माई हेरिटेज, I'm confident that I can achieve my every goal. I am becoming all that I can be. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और पोएम है, I look in the mirror and what do I see? I see the me. ठीक है, no one else can be. I'm precious, I'm glad to be. My hair, my face, my personality. My size, my shape, the color of my skin. All make up me, outside and in. ठीक है, ये आपके पास, मेरे पास कुछ पोइट्री है। देखो जब ये आप ये पोइट्री जब आप सुनोगे, ठीक है, तो आप जो मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई है वो आप रियलाइज़ करोगे या उनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस द लास्ट टर्म विच वी इज़ हाइपरबॉल। हाइपरबॉल मीन्स किसी भी उसके अंदर हम एग्जैजरेट करते हैं। एग्जैजरेट का मतलब होता है हम कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, हम अगर मैं कहूं कि इस रूम के अंदर 1000 लोग हैं, ठीक है, जब मैं अपने बात को अहमियत देने के लिए या जोर डालने के लिए मैं कह सकता हूं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में ऐसा नहीं होगा कि यहां पे 1000 लोग होंगे। लेट्स डिस्कस इट। अ टर्म यूज फॉर एन एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन का मतलब होता है कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान करना इन पोइट्री के अंदर। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स,
मैंने आपको लाखों दफ़ा कहा है। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, मैंने आपको लाख हज़ार दफ़ा कहा है। क्या उन्होंने हज़ार दफ़ा कहा होता है? नहीं, बट एग्जाजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलने होते हैं। ठीक है, आई एम डाइंग ऑफ शेम, वो कहते हैं ना, मैं शर्म से मर रहा हूँ, शर्म के मारे मर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज ही सॉ हिज फ्रेंड आफ्टर एजिस, उसने अपने दोस्तों को सालों बाद देखा या मुद्दतों बाद देखा। ठीक है, द सूटकेस वेट अ टन, सूटकेस जो है उसकी वेट जो है वो टनों के हिसाब से। ठीक है, अब हम मैंने अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट अपनी बात को एग्जैजरेट करते हैं या फिर अपने बात को इन्फोर्स करने के लिए, अपने बात पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा टर्म है, दैट इज़ अ फ्री वर्स। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि पोइट्री के अंदर रिदम होता है, अगर पोइट्री के अंदर रिदम नहीं हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। अभी आपको मैं एक उसके वो लिख के दिखाता हूँ कि फ्री वर्स पोइट्री कैसे होती है। आप समझ लो कि जिसके अंदर, जिसके लास्ट वर्ड्स में राइमिंग नहीं हो, ठीक है, उसमें कोई रिदम नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फ्री वर्स पोइट्री। लेट्स डिस्कस द फ्री वर्स पोइट्री। फ्री वर्स, इट्स अगेन आई एम गोना टेल यू, इट्स अ पार्ट ऑफ पोइट्री की एक किस्म है, जिसके अंदर पोइट्री में ज़रूरी नहीं होते, मैंने आपको कहा था कि हर सेंटेंस के, हर जो शेर होगा वो राइमिंग वर्ड से हो, कहीं पे ऐसा हो सकता है बगैर राइमिंग को, तो हम क्या कहते हैं, फ्री वर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द टर्म विच वी हैव दैट इज अ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है पोइट्री दैट डज नॉट हैव रेगुलर रिदम एंड मोर साउंड लाइक कॉन्वर्सेशन। ठीक है, जब देखो इसमें रिदम नहीं होता है तो दैट पोइट्री इट सीम्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, वी गो आउटसाइड एंड इट्स राइट देयर बट वी डोंट सीम टू नोटिस इट। ठीक है, ये अब मैंने पोइट्री की एक वो निकाले, कुछ अशार यहाँ पे निकाले। तो देखो, जब व्हेन यू विल रिसाइट दिस पोइट्री, व्हेन यू विल रीड दिस पोइट्री, यू विल फील लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोज, इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, इट्स इट विल नॉट लुक लाइक अ पोइट्री। ठीक है, इसमें रिदम नहीं, ठीक है, अगेन बट इट्स अ पोइट्री, लेकिन यह पोइट्री है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि राइटिंग के हमारे पास, रिटन मटीरियल के हमारे पास टू, वी हैव टू काइंड ऑफ रिटन मटीरियल, दैट इज प्रोज एंड पोइट्री। ओके, इन पोइट्री वी हैव डिस्कस दैट इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच हैज स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड स्पेसिफिक structures we need to use. Okay, elements, when we come to the elements of a poetry, we have the figure of speech, we have the free verses, we have metaphors, we have simile, we have alliteration and hyperbole. ठीक है, अच्छा, figure of speech, again मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझा दूँ, it is a language that has other meaning that is a normal definition. Normal definition के अलावा, देखो जब हम किसी चीज़ को compare करवाते तो वहाँ उसकी वो meaning नहीं आती। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, आपको मैं एक और मैं पोइट्री सुनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पोइट्री इसलिए सुनाता हूँ कि यू विल रियलाइज़, यू विल कम टू नो, यू विल अंडरस्टैंड द टर्म्स विच वी हैव यूज, जो टर्म्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो आपको पोइट्री के ज़रिए से समझ आए। अच्छा, पोइट्री मैं आपको सुनाता हूँ, उर्दू में ही है। ठीक है, सफ़र में डूब तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिज़ा, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। ठीक है, इसके अंदर यू विल कम टू नो, यू विल रियलाइज़ द टर्म्स विच वी हैव यूज। आप इससे, इस पोइट्री को आप सुनेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर यूज़ हुई है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इनकी जो वर्कशीट्स मैंने आपको दी है, उन वर्कशीट्स के अंदर भी मैंने सिर्फ एग्जांपल्स आपको दी है, क्लास फाइव के अंदर
हमारे पास जो वर्कशीट आई है उसमें मैंने शुरू में दिया है मेटाफर के एग्जांपल्स मैंने लिखे, ही लुक्स लाइक अ मून टुडे, ठीक है। बाकी आपको इस तरह के एग्जांपल्स आपको चार और लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन में लाइक और एस, देखो लाइक और एस मैंने आपको बताया कि ही स्पीक्स लाइक एन अमेरिकन, ठीक है। आप इसकी जगह दूसरे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं सिमिलीज के। ही इज़ एज फनी एज अ मंकी, वो एज एक मंकी की तरह वो फनी है, तो इसके तरह आपको दूसरे एग्जांपल्स आपको खुद से लिखना। हाइपरबल की मैंने एग्जांपल्स सबकी मैंने एक एक एग्जांपल्स मैंने दी है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है आपको खुद लिखना। अच्छा, इसके अलावा पता है इंग्लिश पोइट्री के अंदर व्हेन यू रीड द पोइट्री, जब एक लाइन होती है तो उसे हम कहते हैं वर्ड्स कहते हैं, या एक लाइन जैसे कि उर्दू में मिसरा कहते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज़ टू लाइन्स, जब दो लाइन हो गए तो उसे हम शेर कहते हैं, उर्दू में शेर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कपलेट कहते हैं। कपलेट इज़ अ टू लाइन वर्ड्स, टू लाइन सेंटेंस, ठीक है। दो लाइनों पर मुश्तमिल एक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। अच्छा, जब तीन लाइनें होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अ सेंटेंस या स्टेंजा हैविंग, स्टेंजा इज अ बेटर वर्ड, स्टेंजा हैविंग थ्री लाइन्स, दैट इज कॉल्ड टर्सेट, TERCET, टर्सेट कहते हैं। अच्छा, जब उसके अंदर चार लाइनें हों तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाट्रेन कहते हैं, अ स्टेंजा हैविंग फोर लाइन, दैट इज कॉल्ड क्वाट्रेन, अ सेंटेंजा हैविंग वन लाइन, दैट इज उसको कहते हैं वर्स कहते हैं, टू लाइन्स इज कॉल्ड कपलेट, थ्री लाइन इज कॉल्ड टर्सेट, एंड फोर लाइन इज कॉल्ड क्वाट्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोइट्री की अपनी डेफिनेशन लिखनी है। देखो, मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया, आपको क्या करना, यू नीड टू मेक योर ओन डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपको आई हैव गिवन सम टॉपिक्स, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिया है, उन टॉपिक्स पे आपको खुद से पोइट्री लिखना है, ठीक है। नाउ द ऑप्शन इज़ योर्स, ठीक है। यू कैन राइट द फ्री वर्स पोइट्री, यू कैन राइट द पोइट्री जिसके अंदर आप रिदम्स इस्तेमाल कर सकते हो, या ऐसी पोइट्री जिसमें आप फ्री वर्स की पोइट्री लिख सकते हो, ठीक है। अप टू यू, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगेन आई एम गोना टेल यू इज दैट वी हैव डिस्कस द पोइट्री एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबल, सिमिली, मेटाफर एंड एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी सिंपल, इफ़ यू विल लिसन इट केयरफुली इट इज़ वेरी सिंपल, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन क्वेश्चन मी ऑन व्हाट्सएप एंड गूगल क्लासरूम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।